आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। 5 मिनट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। 65,000 करोड़ की 292 निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। देवबंद में महिला का बुर्का खींचा, फिर छेड़छाड़, भीड़ ने धुनाई कर आरोपी को किया पुलिस के हवाले। कल से लगेगा कांवड़ियों का मेला, 4 दिन बंद रहेगा लखनऊ अयोध्या हाईवे। यूपी में गौवंशी पशुओं को फिर मिले अवशेष, भड़के लोगों ने जाम किया हाईवे। उत्तराखंड के पहाड़ में मानसूनी बारिश, जनजीवन पर भारी, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में पिता कर रहा था सौतेली बेटी से दुष्कर्म, पंचायत ने फैसला सुनाया तो भड़के ग्रामीण। भारी वाहनों के संचालन बंद होने से सिडकुल में करोड़ों का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में जापानी बुखार से एक महिला की मौत, 16 और लोगों की तबीयत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। हाईकोर्ट ने दिए अवैध निर्माण रोकने के आदेश। कारगिल में शहीद वीरेंद्र ने घायल होकर भी दुश्मनों को खदेड़ा, लहराया कारगिल में तिरंगा। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश। एसिड हमले में दंपति को 11 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना। युवती की मौत के मामले में अपोलो अस्पताल पर 10 लाख का हर्जाना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन मौसम रहेगा सुहाना। खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का द्रास दौरा रद्द, श्रीनगर में कारगिल शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सीक्रेट मिशन पर कश्मीर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, खुफिया एजेंसियों के साथ की बैठक। राजस्थान के सीकर जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान एक बच्चा नाले में बहा। लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी कश्मीर में करेंगे पेट्रोलिंग, संभालेंगे सेना की सुरक्षा पोस्ट। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में सेना प्रमुख रावत ने कहा, दोबारा कारगिल जैसी गलती की हिमाकत ना करे पाक। 58 पुराने कानून खत्म करने वाला बिल लोकसभा में हुआ पेश, सरकार ने कानूनों को परेशानी पैदा करने वाला। येदुरप्पा होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, आज शाम 6 बजे लेंगे शपथ। कारगिल विजय दिवस में 18,000 फीट की ऊंचाई, 527 जवान शहीद, तब फहरा था तिरंगा। सलमान खुर्शीद ने ली चुटकी, मोदी ने कहा हो मेडिटेट और ट्रंप ने सुन लिया हो मेडिटेट। भीड़ हिंसा और जय श्री राम पर प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के विरोध में 61 हस्तियों ने लिखा खुला खत। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।